हाय व्हाट्सअप गाइस, तो आप सभी का रिक्वेस्ट था कि मैं पतातू वैली आऊं और यहां का वीडियो बनाऊं, तो मैं फाइनली यहां आ चुकी हूं। आप लोग ये पीछे का रास्ता और कुछ सीन मैं दिखाती हूं, इससे तो आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं पतातू वैली पहुंच चुकी हूं। तो चलिए आज हम लोग पतातू वैली देखते हैं और यहाँ का डैम भी। सो फ्रेंड, ये है भारत के झारखंड राज्य के रांची से 40 किलोमीटर दूर पतरातू में। ये जो घाटी है इसे झारखंड का जन्नत कहा जाता है। यहाँ लोग जो हैं आते हैं, फिल्म शूटिंग होती है, यहाँ गानों की भी वीडियो बनाई जाती है। कई जगहों से यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं और विदेश से भी लोग यहाँ घूमने आते हैं। ये जो जगह है एकदम जन्नत की भांति यहाँ से दिखाई देती है। यहाँ काफ़ी भीड़ आपको दिख रही है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अभी पिकनिक का सीजन है तो यहाँ और भी ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। यहाँ की घाटी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है और ये यहाँ की वादियों की बात करें तो पहाड़ी इलाका है और इसी पहाड़ में ये रास्ता बनाया गया है। पहाड़ को अगर आप ठंड के मौसम में देखेंगे तो धुंधला दिखेगा और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। ठंड के मौसम में यहाँ घूमने का सबसे बेस्ट जगह माना जाता है और यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक लाइन से गाड़ियाँ लगी हुई है और काफ़ी रोमांचक है यहाँ का जगह। यहाँ के वनस्पतियाँ जो है विभिन्न प्रकार की है। ये चारों तरफ से सखुआ का पेड़ आपको यहाँ दिखाई देगा और वनस्पति के विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ नज़र आते हैं। ये जो है बहुत ही सुकून देने वाली स्थान है। चारों तरफ से हरे भरे जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ यह घाटी की घुमावदार सड़क काफ़ी लोगों को आकर्षक बनाती है। यहाँ लोग गर्मियों की छुट्टी और मौज मस्ती करने के लिए आते हैं और यहाँ का जो सड़क बनाया गया है, इस हिल्स की बात करें तो ये 405 मीटर यानी 1328 फीट ऊंचा है। यहाँ पर सामने पतरातू डैम है और इन्हीं घाटियों से जाते हुए आपको पतरातू डैम तक पहुंचना होगा अगर आप रांची तरफ से जाते हैं तो। और अगर आप रामगढ़ की ओर से आते हैं तो आपको ये घाटी 30 किलोमीटर पड़ेगी।
सो फ्रेंड, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ पतरातू डैम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है और जो डैम है वो बेहद ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ बहुत सारे नाव लगे हुए हैं। ये जो आप नाव देख रहे हैं ये 600 में आप बुक कर सकते हैं, चाहे फैमिली में कितनों ही मेंबर है सब 600 में यहाँ डैम का सैर कर सकते हैं। यहाँ मोटर बोट भी है, आप मोटर बोट जो है 1000 में बुक कर सकते हैं और आप मोटर बोट का इंजॉय ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए भी खेल कूद के लिए कई सारे चीज़ लगाए गए हैं। आप लोगों को पतरातू वैली और पतरातू डैम कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और यहाँ पतरातू में बहुत सारे घूमने के जगह हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर रजरप्पा मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं यहाँ। तो आप यहाँ आए तो खाने का भी है, यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह भरपूर यहाँ रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, आपको खाने पीने का भी टेंशन नहीं होगा। यहाँ पे सिनेमा हॉल भी है, यहाँ आप मूवी भी देख सकते हैं। तो आप अपने पूरे परिवार के साथ पतरातू वैली एंड डैम दोनों ही घूम सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।